सब भक्तों का हार्दिक स्वागत. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण. तो वहाँ जैसे आप जानते हो महान संत लोचनाथ ठाकुर का तिरुभाव तिथि है. वहाँ हम लोचनाथ ठाकुर की थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा भागवतम का श्लोक. ठीक है. ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजनाश्रक्य चक्षुर्मिलितानेन तस्मै श्री चैतन्य मनोवैष्णव आमेन. वंदेहं श्रीगुरु श्रीतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं श्री कृष्ण चैतन्य. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम. तो पहले हम लोचनाथ ठाकुर की चर्चा करेंगे और उसके पश्चात भागवतम का श्लोक. ठीक है. आविर्भाव और तिरुभाव. आविर्भाव का अर्थ है कि आविर्भाव वो दिन होता है जबकि महान संत पृथ्वी पर प्रकट होते हैं. और तिरुभाव का अर्थ है वो शुभ दिन जबकि महान संत अप्रकट हो जाते हैं. भौतिक वातावरण में हम तिरुभाव को कभी नहीं मनाते, पर आध्यात्मिक जीवन में क्षेत्र में हम आविर्भाव और तिरुभाव दोनों ही बड़े उत्साह से मनाते हैं. और इन दिनों में साउंड ठीक है, इको आ रहा है. और इन दिनों में महान संतों की लीलाओं का स्मरण करते हैं. तो आज है किनका तिरुभाव दिवस. महान संत हमारी नजरों से अप्रकट होते हैं पर किसी और स्थान में प्रकट हो जाते हैं, जैसे शाम के समय सूर्य डूबता है. तो ये नहीं कि सूर्य हमारी नजरों से अप्रकट हो गया पर किसी और स्थान में प्रकट हो गया. तो लोचनाथ ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के 30 साल बाद प्रकट हुए थे. और लोचनाथ ठाकुर ने वो नानाहरी सरकार के शिष्य थे. और लोचनाथ ठाकुर ने हमें अनेक रचनाएँ दी हैं और एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ दिया है जिसका नाम है चैतन्य मंगल. चैतन्य मंगल में उन लीलाओं का वर्णन है जिनका वर्णन चैतन्य भगवत और चैतन्य चरितमृत में नहीं है.
चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में तीन प्रसिद्ध ग्रंथ हैं. एक है चैतन्य चरितमृता, जिसकी रचना किसने की, एक है चैतन्य भागवत, जिसकी रचना, और तीसरा है चैतन्य मंगल, जिसकी रचना लोचन दास ठाकुर ने की. भक्ति सिद्धांत जी बड़े प्रभावित थे चैतन्य मंगल से, और भक्ति सिद्धांत जी चैतन्य मंगल को छाप कर बंगला भाषा में सबको फ्री बांटते थे. क्योंकि चैतन्य मंगल में उन लीलाओं का वर्णन है जिनका वर्णन चैतन्य भगवत और चैतन्य चरितमृता में नहीं है. तो चैतन्य मंगल में अनेक लीलाएं हैं. एक वो लीला है महाप्रभु की, जो वो छोटे थे, उन्हें कॉल पपी, पपी इन हिंदी, पिला, पिला. एक बड़ी प्रसिद्ध लीला है. एक दिन महाप्रभु अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे निमाई, और वह कई पिल्ले थे, पपी डॉग्स. तो महाप्रभु ने एक पिल्ला उठाकर अपने घर ले आए. उनके मित्रों ने कहा, निमाई तुमने बर्बानी करके सबसे खूबसूरत पिल्ला ले लिया है. और वो पिल्ला घर में आया, सची माता ने कहा, पिल्ला हमारे घर, हम तो ब्राह्मण हैं, पिल्ला कैसे घर में रख सकते हो. निमाई ने कहा, अगर आप पिल्ले को घर में नहीं रखोगे तो मैं घर छोड़ दूंगा. तो माता ने कहा, ठीक है. तो निमाई के मित्र शिकायत कर रहे थे, सबसे खूबसूरत पिल्ला निमाई ने उठा लिया और बदसूरत पिल्ले हमें दे दिया. एक दिन निमाई गंगा में गए थे स्नान करने के लिए, और उनका मित्र आया, कहने लगा, निमाई निमाई सुनो, तुम्हारी माँ ने पिल्ला को छोड़ दिया है. क्योंकि निमाई ने पिल्ले को बांधा था और घर में छोड़ा था. निमाई निमाई छोड़, निमाई तुम्हारी माँ ने पिल्ले को छोड़ दिया है. तो निमाई तुरंत घर लौटे, देखा कि पिल्ला नहीं है. अपने दोस्तों को कहा, जाओ नवदेव के घर घर और ढूंढो इस पिल्ले को. तो सब ने खोज करना शुरू किया पिल्ले के, और फिर उन्होंने पिल्ला देखा शहर में. क्या कर रहा था वो पिल्ला? दो हाथ पैरों पर नाच रहा था, दो हाथ उठाकर हरि वो बोल रहा था, और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और बाल खड़े हो रहे थे शुद्ध भक्ति के लक्षण. तो जब नवदेव वासियों ने देखा ये पिल्ला जो निमाई के पास था, इतने उत्साह से नाच रहा है और गा रहा, पिल्ला जोर जोर से गा रहा था हरे कृष्ण, पूरा सारा शहर आश्चर्यचकित हो गया. ये निमाई की संगत में रहने से पिल्ला शुद्ध भक्त बन गया, और फिर पूरी निमादेव की प्रजा इस पिल्ला को देख रही थी नाचते हुए. और फिर सबके सामने भगवान का एक रथ आया, वैकुंठ एयरलाइंस का हवाई जहाज, और सबके सामने वो पिल्ला वैकुंठ एयरलाइन में चढ़कर सबको बाय बाय बोलते बोलते भगवान के धाम गया. तो अगर आप कहोगे निमाई ने पिल्ला रखा तो हम क्यों नहीं पिल्ला रख सकते, हमें क्यों रोकते हो, तो अगर आपने पिल्ला रखना है तो आपको एक गारंटी देनी पड़ेगी. क्या? क्या वो इस पिल्ले को शुद्ध भक्त बनाओगे? इसी प्रकार एक भक्त है शिवानंद सेन, वो नाव में आ रहे थे, एक पिल्ला उनके पीछे, एक कुत्ता पिल्ला नहीं कुत्ता पीछे पीछे आ रहा था.
पर एक दिन शिवनंदन संत के नौकर ने उस कुत्ते को छोड़ दिया तो खोजा तो क्या देखा वो कुत्ता बैठा था महाप्रभु के पास महाप्रभु नारियल फेंक रहे थे वो खा रहा था वो पिल्ला भी भगवान के धाम चला गया तो भक्त भगवान के भक्त इतने दयालु हैं हम इसकी नकल नहीं कर सकते शिवनंद सेन की या निमाई की पर ये इस लीला का वर्णन है चैतन्य मंगल में एक और बड़ी प्रसिद्ध लीला है निमाई जब संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो रास्ते में उनको प्यास लगी तो एक व्यक्ति लस्सी बेच रहा था निमाई ने उसकी पूरा मटका खाली कर दिया लस्सी पी ली और फिर उसने कहा पैसा निमाई ने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं पर मेरे पीछे मेरे साथी आ रहे हैं वो पैसा देंगे जब साथी वहाँ पहुँचे साथी थे नित्यानंद और दूसरे तो उस लस्सी उस व्यक्ति ने कहा तुम्हारे एक सन्यासी आए थे उन्होंने पूरा मटका मेरा खाली कर दिया और कहा तुम पैसे दोगे तो नित्यानंद भगवान ने कहा हमारे पास भी पैसे नहीं हैं तो फिर उस व्यक्ति ने कहा लस्सी वाले ने ठीक है वो सन्यासी को बोल देना हमने वो लस्सी दान में दी अभी मैं घर चलता हूँ तो वो मटके को उठाकर घर जाने की तैयारी कर रहा था जब उसने मटका उठाने का प्रयास किया तो देखा मटका इतना भारी था कि वो उठा ही नहीं सका तो वो आश्चर्यचकित हो गया कुछ समय पहले तो मटका खाली था बिल्कुल हल्का मैं एकदम भर गया तो उसने अंदर देखा वो क्या देखा मटके में हीरे मोतियाँ थी वो मटका हीरे मोती से भर गया था तो उसने निमाई को लस्सी दी और बदले में क्या हुआ पूरा मटका भर गया लस्सी से भगवान की सेवा करके कभी आप नुकसान ही प्राप्त करते जैसे एक समय एक व्यक्ति एक औरत फल बेच रही थी फल किसे चाहिए भगवान छोटे से थे अपने हाथों में कुछ अन्न लेकर फल लेने जा रहे थे वहाँ पहुँचने तक लगभग सारा अन्न उनके हाथों से गिर गया था जब इस औरत ने भगवान की खूबसूरती के प्रति आकर्षित होकर मुफ्त में सेब दे दिए कुछ लिए बिना और बाद में जब मुड़ के देखा तो क्या देखा उनकी टोकरी में क्या थे क्या थे सोने के भगवान की सेवा भगवान का धन देकर कोई गरीब नहीं होता ना तो लोचनदास ठाकुर की अनेक रचनाएं हैं इनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है चैतन्य मंगल और उन्होंने कई भजन की रचना की है जिनमें उन्होंने ये साबित किया है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है परम भगवान क्योंकि ये अनेक रचनाएं हैं पर खास करके एक रचना परम करुणा पर प्रभुपाद जी ने इस प्रार्थना के ऊपर बड़ा गहरा लेक्चर दिया था और प्रभुपाद जी कई बार ये भजन गाते हुए उनके नेत्रों से आंसू बहते थे तो ये संक्षेप में इस रचना के इस भजन का संदेश सुनाएंगे काम करना पाहे दुई जाना निताई गुरु चंदा सब तारा सारा शिरोमणि केवल आनंद काना कहते हैं परमा करुणा परम करुणा का अर्थ है क्या है परम करुणा का अर्थ करुणा का अर्थ है दयालु तो सब अवतारों में
सबसे दयालु कौन है? इतना महाप्रभु और नित्यानंदा. ये इस भाव का वर्णन निर्वतम दास ठाकुर भी करते हैं. कहते हैं परम करुणा बहुत हो जाना निताई गुणचंदा. आप जो हो सबसे दयालु हो और आप प्रकट हुए हो भगवान नित्यानंदा के साथ. सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कांदा. जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु भगवान नित्यानंदा के शरण ले वो केवल आनंद ही आनंद अनुभव करेगा, क्योंकि वो इतने दयालु हैं. ये भाव नरोत्तम दास ठाकुर जी के भाव से मिलता जुलता है. नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम मैं न के दयालु संसार पतित भगवान हेतु तब अवतारा वो समा पतिता प्रभु ना पवन. हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेम नंद सुखी कृपा करो काना कोरे हमें बोल दो के भगवान नित्यानंद आप अत्यंत दयालु हो और आपकी शरण लेंगे तो सुख मिलेगा. तो लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं आप चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद अत्यंत दयालु हो, सब अवतारों में सबसे दयालु अवतार हो, और जो व्यक्ति आपकी शरण ले वो केवल आनंद कंदा आनंद ही आनंद अनुभव करेगा. तो अनेक प्रकार के आनंद होते हैं. एक है भौतिक आनंद और दूसरा है आनंद. प्रहलाद महाराज कहते हैं न ते विदुम स्वर्त कथे में विष्णु. लोग ये नहीं जानते कि असली आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है. भौतिक आनंद आरंभ होता है और समाप्त हो जाता है. सच बात है, चाहे आप कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो हर चीज अस्थाई है. हम प्रयास करते हैं, धन कमाते हैं, बड़ा कारखाना बनाते हैं, पर फिर हम अप्रकट हो जाते हैं. तो महाप्रभु की शरण लेकर असली आनंद प्राप्त करोगे. ये है शास्त्रों का निर्णय. बाजू बाजू भाई चेतना निताय शुद्ध विश्वास करे. विश्वास करो कि चेतने महाप्रभु की शरण लेकर और भगवान नित्यानंद की शरण लेकर तुम असली सुख प्राप्त करोगे. ये विश्वास करो. कई बार जब आप आध्यात्मिक संदेश को सुनते हो हम इतना विश्वास नहीं करते. भगवान तो कह रहे हैं सर्वधर्म परिता जो महामेकम हम तो हम सर्व पापे मोक्ष में मार. सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा. पर ये हम विश्वास नहीं करेंगे. पर जब कोई नौकरी देता है आपको, कहता है इतना माल बेचोगे इतना कमीशन मिलेगा, हम विश्वास करते हैं. ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंदा की वो कह रहे हैं विश्वास करो मेरे वचनों में कि जो व्यक्ति महाप्रभु नित्यानंदा की शरण लेगा वो क्या असली आनंद प्राप्त करेगा. साधारण समाज में हमें हमेशा असली चीज चाहिए, पर भक्ति के विषय में नकली चीज. तो ये है असली आनंद का साधन. विषयाचार्य से ही रास है मुझे मुखे बोलो हरी हरी. विषया अगर आप भगवान नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की शरण लेना चाहते हो विषया, तो भौतिक आकर्षण हमें त्यागना पड़ेगा. ये नहीं कि आपको भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए. हाँ, दोनों संभव हैं. शास्त्र में लिखा है
जब भगवान कहते हैं सर्वधर्मां परित्यज्य उसका क्या अर्थ है? ये जो भौतिक आकर्षण है उसे त्यागो, मेरी शरण लो, फिर मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। तो उसी प्रकार लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं विषयाचार्या, ये जो विषया जो भौतिक आकर्षण है आपका, ये भौतिक आकर्षण त्यागो, भौतिक कार्यों को त्यागो, तो उसके बदले में भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की शरण लो, और शरण लोगे तो क्या मिलेगा? असली आनंद मिलेगा। और इस विषय में चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा शिक्षाष्टका के पहले श्लोक में, अनंत बुद्धि, आप हरि नाम के उच्चारण का एक और लाभ ये है कि जो आनंद है वो केवल बढ़ते ही जाता है। बहुत एक समाज में हमारा आनंद घटते जाता है। आपको भूख लगी है, पहली चपाती खाओ आनंद आएगा, दूसरी खाओगे तो कम आनंद आएगा, तीसरी खाओगे तो और कम, फिर कहोगे और नहीं। पर आध्यात्मिक आनंद आप कभी ये नहीं कहोगे और नहीं चाहिए हमें। जितना आप भगवान के शरणागत हो गए उतनी मात्रा में यह आध्यात्मिक आनंद केवल बढ़ते ही जाएगा। पर ये आध्यात्मिक आनंद अनुभव करने के लिए हमें कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ कीमत भरनी पड़ेगी, मुफ्त में नहीं मिलेगा। भगवान भी कहते हैं ना, सब धर्मों को छोड़कर फिर मैं तुम्हारी सुरक्षा करूँगा। मन मनोभाव मन भक्त हो मन ध्याजी मन नमस्कारो, मेरा चिंतन करके स्मरण करोगे तो मेरे धाम वापस लौटोगे। भगवान ये नहीं कहते विषय भी करो और मेरे धाम भी लौटो। हाँ आगे देखो रे भाई त्रिभुना नायला पशु पाकी जोड़े पशना बिला सुनी जरा गुना गसा। अभी यहाँ कहते हैं लोचनदास ठाकुर क्षेत्र महाप्रभु ने पशुओं को भी भक्त बनाया। पशु पशु पाकी जुड़े पशु को भी भक्त बनाया किधर? चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड जंगल से गुजर कर जा रहे थे तो उस जंगल में अनेक पशु थे, हाथी शेर टाइगर जैकॉल डियर सारे जंगल था। और महाप्रभु ने क्या किया? पानी फेंका उन पर, चैंट हरे कृष्णा, और सबने जप करना शुरू कर दिया। तो लोचनदास साहब कह रहे हैं आप इतने दयालु हो कि आपने पशुओं को भी नचाया और पशुओं से भी क्या करवाया? महामंत्र का उच्चारण। तो उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश में गए अमेरिका में, तो उन दिनों में जब प्रभुपाद पहुँचे अमेरिका, सब जुड़े हुए थे ड्रग कल्चर में, इंद्र देवते के कार्यों में, और प्रभुपाद जी ने उस वातावरण में प्रचार किया और उस वातावरण में लोगों को हरिनाम करवाया। जब प्रभुपाद जी जलादू जहाज में अमेरिका पहुँचे बॉस्टन, जब बॉस्टन पहुँचे थे तो जहाज़ का जो कैप्टन था कैप्टन पांडे, वो प्रभुपाद जी को शहर की यात्रा कराने ले गया था। तो प्रभुपाद ने जब बॉस्टन का दर्शन किया तो उन्होंने देखा कि हर जगह इंडिया तिब्बती का निमंत्रण, इंडिया तिब्बती का वातावरण। तो उन्होंने कविता लिखी, प्रभुपाद जी को कवि बुलाते थे, जिसमें प्रभुपाद ने कहा आप मुझे ले तो इधर आए हो पर मुझे पता नहीं क्या मैं प्राप्त कर सकूँगा। और फिर प्रभुपाद ने कहा
फिर राधा राम जी की असीम कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कृष्णदास काव्यराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से कठिन कार्य सरल हो जाता है, महाप्रभु की कृपा के बिना सरल कारण कठिन हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने फिर आगे कहा, तो कृष्णदास काव्यराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है। दूसरे शब्दों में असंभव कार्य संभव हो जाता है। तो लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, पशु पाकी जुड़े जाया बिदुरे सुनी जरा गुना का था। तो प्रभुपाद जी ने अपने लेक्चर में कहा कि चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से जो झारखंड जंगल के अनेक पशु थे सब ने हरिनाम करवाया, और जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने पशुओं को भक्त बनाया, उसी प्रकार जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, जो व्यक्ति जुड़े हुए थे बचपन से पाप के कार्य में, प्रभुपाद जी ने क्या किया, उन्हें नचाया और भक्त बनाया। ये था प्रभुपाद जी का चमत्कार। एक समय किसी ने प्रभुपाद से पूछा, आप कुछ चमत्कार कर सकते हो? नहीं, आप कुछ जादू कर सकते हो? क्योंकि भारत में सोचा जाता है कि जो अध्यात्मिक गुरु हो सन्यासी, मुझे कुछ जादू करेगा। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, मैं कोई जादू तो नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है। तो दूसरे व्यक्ति की रुचि थी, क्या जादू किया है स्वामी जी ने? मैंने हजारों मनुष्यों को ब्राह्मण बना दिया है। तो प्रभुपाद ने हजारों पशुओं को ब्राह्मण बनाया है। नृत्य और पशु में कोई खास अंतर नहीं। नृत्य उसे कहते हैं जो पशु की बुद्धि रखता है, पशु समान कार्य करता है, पशु समान इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त रहता है। तो उन लोगों को क्या बना दिया? ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण, नाम के ब्राह्मण नहीं। समसर माज रोहिले पूरी अपना कर्म बुझाने। तो प्रभुपाद जी इस प्रार्थना के लेक्चर में कहते हैं कि लोचनदास ठाकुर कहते हैं, हे मेरा मन, तुम भौतिक आकर्षण में जुड़े हुए हो, इसे त्यागो और चैतन्य महाप्रभु जी की शरण स्वीकार करो। तो आप कहोगे, लोचनदास ठाकुर का भौतिक आकर्षण था, ये हमारे संतों की विनम्रता है। हमारे संत क्या कहते, हमेशा कहते हैं, वहाँ में भक्ति का एक बूंद भी नहीं है। जैसे कि कृष्णदास काव्यराज कहते हैं, मेरे में इतने अवगुण हैं कि अगर तुम मेरा नाम भी लोगे तो तुम्हारे अवगुण समाप्त हो जाएंगे, तो मेरा नाम ही मत लो। हमारी क्या स्थिति है? हम कहते हैं, सदा हमारा नाम लो। महान संत क्या कहते हैं? मेरा नाम ही मत लो, नाम लोगे तो सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि मेरे में कोई गुण नहीं है। तो लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं कि अगर मेरा मन भौतिक कार्य में जुड़ा हुआ है, भौतिक कार्यों से बचना है, और मेरा जो मन है उसको
भगवान के चरणों में लगाना है। इस प्रकार रचना ठाकुर की कई रचनाएं हैं और इन रचनाओं में यही स्थापित किया जा रहा है क्या कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, परम भगवान, और भगवान नित्यानंद कौन है, उनके सनातन साथी। और हमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद गौड़ताई की शरण लेनी चाहिए भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। इस कलयुग में भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु ने खुले रूप से यह हरि नाम का प्रचार किया, सब प्रकार के व्यक्तियों को यह हरि नाम दिया। जिस प्रकार बारिश बरसती है ये नहीं देखती कि पहाड़ में गिर रहा है पानी या सागर में गिर रहा है पानी, बिना भेदभाव के हर जगह पानी गिरता है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, बिना भेदभाव हरि नाम का आंदोलन आरम्भ किया। जब चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अपना संकीर्तन आंदोलन आरम्भ किया प्रचार, तो कई मुसलमानों ने विरोध किया। मुसलमानों ने कहा कि अगर हम निमाही के संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे, रोको रोको। उन्होंने ये निमंत्रण दिया चंद काजी को, और जो हिंदू थे उन्होंने भी इसका विरोध किया, क्योंकि जो हिंदू स्मार था ब्राह्मण थे उनकी आमदन घट गई, पहले तो यज्ञ करके लोगों से धन कमाते थे और हरि नाम के लिए तो कोई धन है की कीमत भरनी नहीं पड़ती। तो हिंदू ने भी शिकायत की, यदि भाई पंडित जो संदेश दे रहा है वो हिंदू धर्म के विरोध में है, रोक दो उसे। और एक मुसलमान था जो बार बार चांद काजी को जाकर कहता था रोको रोको, तो एक दिन चांद काजी ने कहा तुम दिन रात आकर शिकायत करते हो रोको रोको, पर जब भी मैं देखता हूँ तुम हरि नाम कर रहे हो, ये क्या ये क्या है, शिकायत भी करते हो। तो उस मुसलमान ने कहा ये बात सच है, जब से ये हरि नाम मैंने सुना है ये हरि नाम मेरी जीभ से निकलता ही नहीं, वो दिन रात हरि नाम कर रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने खुले रूप से हरि नाम का प्रचार किया और हर प्रकार के व्यक्ति को आकर्षित किया कि हरि नाम के प्रति। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो जहाँ जहाँ जाते थे दूर दूर से आते थे लोग उन्हें सुनने के लिए देखने के लिए, और उनको सुनकर ही हरि नाम का उच्चारण आरम्भ कर देते थे। और जब वो वापस लौटते थे अपने स्थानों में दूसरे व्यक्ति उन्हें देखकर वो भी हरि नाम का उच्चारण शुरू कर देते थे। इस प्रकार महाप्रभु ने हरि नाम का प्रचार हर जगह किया, सबको वैष्णव बनाए। महाप्रभु वाराणसी आए थे और तपन मिश्रा नाम के एक भक्त थे जिनके घर में वो ठहरे थे। तो तपन चंद्रशेखर के घर में ठहरे थे, वो नीची जाति का था। तो महाप्रभु ने चंद्रशेखर तपन मिश्रा दो भक्त थे महाप्रभु के, उन्होंने कहा आपकी ये मायावादी सन्यासी इतनी निंदा कर रहे हैं हमसे सहा नहीं जाता, अब चलिए उन्हें मिलने के लिए। वैसे तो महाप्रभु ने कहा था मायावादी की संगत से हमें दूर रहना चाहिए। तो महाप्रभु गए उस सभा में जहाँ 10,000 मायावादी सन्यासी ऊंचे मंच पर बैठकर
वेदांता का अध्ययन कर रहे थे. जो जो महाप्रभु गए वो मंच पर नहीं बैठे, बैठे नीचे जहाँ की लोग पांव धोते हैं मंदिर में प्रवेश करने से. और पर उन्होंने वहाँ अपना अपनी दिव्य लीला प्रकट की. उन्होंने अपने चेहरे से इतना प्रकाश प्रकट किया कि ऐसे देखा कि लाखों सूर्य का प्रकाश प्रकट हो रहा है. और जब ये उच्च सन्यासियों ने देखा ये इस प्रकाश को प्रकट होते हुए, वो समझ गए ये कोई साधारण सन्यासी नहीं है. तो प्रकाशानंद सरस्वती इनके गुरु थे, महाप्रभु को पकड़कर ऊपर ले गए मंच पर. और उन्होंने कहा तुम इतने बड़े विद्वान हो, क्योंकि छोटी आयु में ही महाप्रभु संस्कृत के विद्वान बन गए थे, तुम हमारे साथ बैठकर वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते. महाप्रभु ने क्या कहा, क्या कहा, मेरे गुरु ने कहा, देखा कहा तुम्हें और कोई योग्यता नहीं है केवल हरि नाम का. उनकी चर्चा के द्वारा सारे मायावादी वैष्णव बन गए. तो लोचनदास ठाकुर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु हैं, और नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं आप सब अवतारों में सबसे दयालु हो. यही भाव लोचनदास ठाकुर ने भी प्रकट किया है. लोचनदास ठाकुर कहते हैं भगवान नित्यानंदा उनके सनातन साथी हैं. यही नंद भगवान नित्यानंदा प्रकट होते हैं लक्ष्मण के रूप में, छोटे भाई के रूप में, फिर बालराम के रूप में, बड़े भाई के रूप में, और फिर नित्यानंदा फिर से बड़े भाई के रूप में. ये हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के सनातन साथी. तो हमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंदा की शरण लेनी चाहिए. राम उनकी शरण कैसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, उनके आदेश का पालन करके. और क्या था उनका आदेश, याद रखता है कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास और नित्यानंद को कहा घर घर जाओ, लोगों को ये कहो कि कृष्ण तुम्हारा प्राण है, तुम्हारा असली जीवन है, कृष्ण तुम्हारा असली धन है. हम असली धन को नहीं पहचानते, असली धन है भगवान का नाम. कृष्ण तुम्हारा जीवन है, ये था महाप्रभु का संदेश. तो हमें आज के शुभ दिन पर लोचनदास ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए क्या कि हमें कृपा दे कि हम भी हरि नाम में रुचि लें और चैतन्य महाप्रभु भगवान नित्यानंदा की शरण लें. भगवान नित्यानंदा नित्य आनंद, नित्य का अर्थ क्या है, हाँ सनातन, आनंद का अर्थ है ये है असली आनंद. और आप देख सकते हो चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी पृथ्वी आचित नगराधिगम सर्वदा प्रचार है आज सफल हो गई है. आज आप विश्व के किसी कोने में जा सकते हो और एक दो नहीं अनेक भक्त मिलेंगे जो कि हरि नाम के माध्यम से अपने जीवन को सफल बना रहे हैं. ये हरि नाम के उच्चारण के लिए कोई तालीम की आवश्यकता नहीं. जीव है दो कान दिए, भगवान ने जीव दिए दो कान दिए, इनका हमें उपयोग करना चाहे किस लिए. ये हरि नाम सारे विश्व में देखा है कि हरि नाम को बड़े सरलता के साथ लोग स्वीकार कर सकते हैं. तो लोचनदास ठाकुर ने ये स्थापित किया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नए आनिया. यही राधा कृष्ण प्रकट हुए किस रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में. और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए किस लिए,
पतितों का उद्धार करने के लिए। हम सब इस कलयुग में अत्यंत पतित है और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए सब पतितों का उद्धार के लिए। पौनर्तन दास ठाकुर क्या कहते हैं, कहते हैं पतित पवन होता है मोह समा पतिता प्रभु। सब पतिता में सबसे ज्यादा पतित मैं हूं, ये भाव हमें अनुकूल करना चाहिए। ये महान संतों का भाव कि हम सबसे पतित हैं, ये विनम्रता का भाव। चैतन्य महाप्रभु ने हमें संदेश दिया है, नाद पीसरी चेना तरूर पीसर अमानी न मना देना। अगर तुम सदा हरि का नाम लेना चाहते हो तो विनम्रता का भाव अनुकूल करो और अत्यंत सहनशील हो, फिर से भी ज़्यादा सहनशील। विनम्रता का भाव अनुकूल करेंगे भक्ति में उन्नति कर पाएंगे, और घमंड का गौ भाव पर अनुकूल करेंगे तो हरि नाम को उच्चारण कर सकोगे, पर उतने आनंद के साथ नहीं जितने आनंद के साथ आप विनम्रता के भाव में कर सकते हो। इसलिए कृष्णा काविराज कहते हैं ये श्लोक नीचेना इतना महत्वपूर्ण है कि हमें गले में बांधकर सदा अपने आप को याद दिलाना चाहिए। तो ये है महाप्रभु का आंदोलन। महाप्रभु का आंदोलन है कि हमें विनम्रता के भाव से ये भक्ति में जुड़ना चाहिए, सबका दास बनना चाहिए। दासन दासन दास दास दास, सबका दास बनोगे तो कृपा प्राप्त होगी और सेवा भाव और सहनशील। बौद्धिक संसार में सुख दुख आदर अपमान सर्दी गर्मी ये सब सहना पड़ेगा, सहनशील बनो। महाप्रभु क्या कहते हैं, किससे ज़्यादा सहनशील बनो, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील। कई बार लोग पूछते हैं क्यों, वृक्ष जो है सर्दी गर्मी हर स्थिति में आपकी सेवा करने को तैयार रहता है ना, और तो पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील। तो हमें लोचन दास ठाकुर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भक्ति की भावना हमारे में उत्पन्न हो, हमारे विनम्रता का भाव हो, और हम जब कहा जाता है शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु की शरण लो नित्यानंद की शरण लो, इसका अर्थ क्या है कि हम उनके आदेश का पालन करें। जब ये कहा जाता है कृष्ण भगवान की शरण लो तो इसका क्या अर्थ, आप कृष्ण भगवान के आदेश का पालन करो। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश क्या है, ये हरि नाम। और हरिदास ठाकुर के उदाहरण में आप क्या देखते हो, जब चंद काजी राजा के पास गए और राजा से कहा इस व्यक्ति ने मुसलमान खानदान में जन्म लिया है और हरि नाम को अपना लिया है, तो राजा ने कहा लाओ इस हरिदास को मेरे पास। तो राजा ने कहा तुम हिंदू भगवान का नाम ले रहे हो, तुम्हारा जन्म इतनी ऊंची कौम में हुआ है, हम तो अगर कोई हिंदू किसी चावल के दाने को हाथ लगा दे तो हम वो चावल का दाना भी नहीं खाते, और तुमने हरि नाम को स्वीकार कर लिया है। तो हरिदास ने कहा कि भगवान के नामों में पूरी शक्ति है, कोई भी नाम लो, जो हरि नाम नहीं माने हरि नाम त्यागने के लिए। तो चंद काजी जो कि राजा के प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा ले जाओ इस बदमाश को बाजारों में घसीट कर पीटो। उन दिनों में सजा का माध्यम था व्यक्ति को घसीट कर पीटना। तो चंदकाजी के सिपाही इसको घसीट कर पीट रहे थे हरिदास को, अक्सर दूसरे बाजार में पहुंचने तक व्यक्ति का देहांत हो जाता था, पर 22 बाजारों तक वो पहुंच गए, हरिदास को बिल्कुल चोट नहीं लगी, वो हरि नाम करते गए और
उनको घसीर कर ले जा रहे थे. जब 22 बाजार पर पहुंचे और देखा कि हरिदास अभी भी जिंदा है. अक्सर दूसरे बाजार में पहुंचने तक व्यक्ति का देहांत हो जाता था. जो पीट रहे थे वो आश्चर्य हो गए. उन्होंने कहा अब ये राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा क्योंकि हमने हमारे कार्य में असफल थे. हमने इन्हें घसीटा पर ये मारा नहीं. अब राजा हमें मार देगा. हरिदास का भाव. हरिदास ने सोचा मेरे कारण इनको पीटा जाएगा. हरिदास ने उनके पास योगिक शक्तियां भी थी. सांस लेना बिल्कुल बंद कर दिया. बिल्कुल तो जो पीट रहे थे उन्हें लगा कि हरिदास की मृत्यु हो गई. तो खुशी के साथ वो गए राजा के पास. जानकारी के बाद हरिदास की मृत्यु हो गई और हरिदास को वहां ले आए. राजा ने कहा मुस्लिम विधियों के अनुसार इनका अंतिम संस्कार कर दो. पर जानकारी ने कहा नहीं, ये तो हिंदू बन गया था. इसे ऊंचे संस्कारों से अंतिम संस्कार नहीं, ऊंची धर्म के संस्कारों से उनका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए. फेंक दो इसे गंगा में. तो गंगा में फेंक दिया. जब गंगा में फेंका तो तैर कर गंगा के पार आकर पेड़ के नीचे बैठकर जप फिर से शुरू कर दिया. तो जब राजा को सूचना मिली कि ये हरिदास जिसे बाजारों 22 बाजारों में पीटा था और मरा नहीं, जिसे हमने देखा आंखों से मरा हुआ था अब जीवित हो गया है. राजा समझ गए ये हरिदास कोई साधारण पुरुष नहीं है. फिर राजा आकर उनके शरणागत हो गए. तो चैतन्य महाप्रभु जी के आंदोलन में अनेक सुंदर लीलाएं हैं जिनका वर्णन लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल और अनेक कविताओं में किया है. आज के शुभ दिन पर हमें लोचनदास ठाकुर के शरणागत होकर उनसे क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे में भी चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंदा की शिक्षा में पूरा आकर्षण बढ़े. और ये आकर्षण को बढ़ाने के लिए हमें बौद्धिक आकर्षण त्यागना पड़ेगा. और हम त्यागने को तैयार हैं. क्यों? ये है असली आनंद का मार्ग. चैतन्य महाप्रभु की, भगवान नित्यानंद की, लोचनदास ठाकुर की, लोचनदास ठाकुर तिरुपावती दी की, प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद. हरे कृष्ण. कोई प्रश्न है किसी का? हाँ हाँ पूछिए पूछिए जल्दी. हरे कृष्णा महाराज जी. अच्छा हिंदू धर्म जो है मैंने प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुना था कि शास्त्रों में हिंदू धर्म कहीं लिखा नहीं है. ये मुसलमान का दिया हुआ नाम है. तो ये हिंदू धर्म शास्त्र में इसका क्या मतलब? मैं समझा नहीं क्या क्या कहा आपने. मतलब हिंदू धर्म जो है ना हिंदू शास्त्रों में, ऐसे मैंने प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुना था कि हिंदू धर्म शास्त्र में ने कहा कि हिंदू शब्द नहीं है. हाँ. पर सिंध नदी के पार जो रहते थे सिंध 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 से हिंदू बन गया. पर चैतन्य भागवत में राजा ने कहा कि जानकारी ने हिंदू शब्द उपयोग किया गया है. जानकारी ने कही हिंदुओं का नाम मत लिया होगा. पर वैदिक शास्त्र में नहीं है पर चैतन्य भागवत में है. ओके आई थिंक देयर इज नो टाइम फॉर भागवतम क्लास. यस क्विकली वन भागवतम क्लास नाउ. नो योर लेक्चर. हाँ हरे कृष्ण महाराज. आपने बताया कि कैसे अगर नम्रता से जप करेंगे तो ज़्यादा आनंद होगा और अगर ऐसा नहीं रहे जब नम्रता से नहीं करेंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा. तो
तो सुनते हैं तो कई बार हमारे ये चीज लेकिन इसको पालन नहीं कर पाते फिर गलती कर बैठते हैं और क्या I'm sorry क्या जैसे आपने बताया कि अगर नम्रता से जप करेंगे मीन्स अगर कुछ अपराध करेंगे या किसी से झगड़ा करेंगे नम्रता तो का व्यवहार रखेंगे नम्रता का यही बुद्धि रखेंगे मतलब कि जब हम एक दूसरे से संबंध रखें विनम्रता का भाव होना चाहिए विनम्रता से चर्चा जब तो हम सब विनम्रता से करते ही हैं जब तो गुस्से में कोई नहीं रहा जब करते हुए तो सब हम्बल हो जाते हैं पर हम्बल इन डीलिंग विद ईच अदर ठीक है ना ओके Any other question? Yes. What is dharma? What is dharma? Dharma means duty. And our duty is to serve the Lord. Okay? Yes. Quickly. महाराज जैसे हम शास्त्रों में सुनते हैं कि हम भौतिक I'm sorry, हम जैसे शास्त्रों में सुनते हैं कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति और आध्यात्मिक चीज़ें दोनों एक साथ नहीं चल सकती तो कई बार हम लोग कुछ भौतिक कार्य स्टार्ट करते हैं ये सोच के कि इसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे लेकिन ग्रेजुअली हमारा उससे आइडेंटिफाई करने लगता है और उससे हम अटैच हो जाते हैं तो यदि भी हम लोग शास्त्रों में सुनते हैं कि हमें अटैच नहीं होना है फिर भी हम उससे अटैच हो जाते हैं अब क्या नहीं मानो आप कोई व्यापार शुरू करते हो भगवान के चरणों में उसके नतीजे को समर्पण करने में तो I don't understand what's your question जब हम नए कोई भौतिक कार्य स्टार्ट किया अब ये सोचते कि इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे लेकिन ग्रेजुअली ऑन द प्रोसेस हमारा उसे अटैचमेंट हो जाता है तो अटैचमेंट हो जाएगा तो उसका परिणाम ही भुगतना पड़ेगा भगवान के लिए करोगे तो परिणाम से बच जाओगे एक पैसा भी आप कमाने जाओ अनेक पाप करने पड़ते हैं Okay, we stop now. Okay, Hare Krishna. Thank you.